हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं गॉड से दुआ करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और आज आप लोग के लिए ही नहीं, सबके लिए आज खुशी का दिन है कि आज के दिन मेरा 60,000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है। और इस खुशी के मौके पर और साथ साथ एक और खुशी का दिन है कि आज ही से IPL 11 सीजन 11 स्टार्ट हो रहा है। सबके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि IPL को कैसे देखा जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिससे कि आप विदाउट इंटरनेट आप अपने मोबाइल में लाइव IPL देख सकते हैं। कभी शायद आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि बिना इंटरनेट के भी क्या मोबाइल में टीवी चल सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज मैं वो लाइव दिखाऊंगा आपको। और मैंने भी जो T2 जे डिवाइस है वो जो खरीदा है उसके थ्रू उसको भी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा और दिखाऊंगा कि कैसे वह डिवाइस कनेक्ट होता है और कैसे आप मोबाइल में लाइव टीवी देख सकते हैं, वो भी विदाउट इंटरनेट। चाहे आप जहां पर भी होंगे, यहाँ पे सपोज मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, आप अपना लोकेशन सेंड कर देना कि कहाँ रहते हो, मैं बता दूंगा कि वहाँ कैसे चलेगा और किस टाइप से चलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बताता हूँ। उससे पहले आप एक रिक्वेस्ट है कि सपोज आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप अपने फ्रेंड्स के यहाँ, दोस्त को, अपने रिलेशन में, क्योंकि ये वीडियो सही में लाजवाब होने वाला है क्योंकि आप विदाउट इंटरनेट मैच देख सकते हैं, वो भी लाइव। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ नए डिवाइस को। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि मैं देख सकते हो आप लोग, मैंने ये परचेज किया है Amazon से। DVB जनरेशन 2 है, डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग का ये जनरेशन 2 लिया है मैंने। और इसी के थ्रू मैं आपको लाइव टीवी चलाऊंगा मोबाइल में विदाउट इंटरनेट। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये सीजर लिया है मैंने, इसको कट करता हूँ। फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसके अंदर से ये निकला है, मैं इसको भी ओपन कर रहा हूँ। ये APK डाउनलोड करने का QR कोड दिया गया है और ये हमारा रहा ये डिवाइस, जो मेन डिवाइस है। और ये दो एंटीना दिया गया है, आप देख सकते हो। ये पहले एक एंटीना ये है और दूसरा ये है। दोनों एंटीना आप जिसको चाहे आप उसको यूज कर सकते हो। चलिए मैं इसी को यूज करता हूँ, बड़ा वाला, क्योंकि इसमें वायर बड़ा है, फर्स्ट टाइम है, तो मैं देखूंगा कि कौन सा एंटीना कितना अच्छा काम करता है। फ्रेंड्स, ये जो दिया गया है इसमें डिटेल दिया गया है कि कैसे कैसे इसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन एक डाउनलोड करना होगा मोबाइल में, जिसके QR कोड यहाँ दिया हुआ है, तो मैं इसको स्कैन करके डाउनलोड करता हूँ। प्ले स्टोर में ओपन किया हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने QR कोड स्कैनर से स्कैन किया हूँ, यहाँ पे एड्रेस आ गया, जस्ट इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आ गया। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अब मैं ये डाउनलोड हो गया, इसको ओपन कर रहा हूं। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, यहां पे मांग रहा है इंस्टॉल द एंटीना टू द एंटीना इनपुट, इसमें ये लगाना है डिवाइस। फ्रेंड्स, ये डिवाइस को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ विथ एंटीना। पहले मैं एंटीना कनेक्ट कर लेता हूँ। ये एंटीना को कनेक्ट कर रहा हूँ। अब अपने इस फोन से अटैच करता हूँ इसको। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स यहाँ फोन में देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ गया है वेलकम टू द सेटअप विजार्ड। नेक्स्ट करना है, यहाँ पे मैं यूज डिफॉल्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये स्कैन हो रहा है और कंट्री चूज करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये फ्रेंड्स इंडिया आई एन भारत है, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब स्कैन करूँगा, इससे क्या होगा, जितना भी हमारे आसपास जो अवेलेबल है चैनल वो इसके अंदर आ जाएगा। अभी जहाँ तक मैं जानता हूँ टोटल 8 चैनल है, बट कुछ ही दिनों में टोटल 300 चैनल हो जाएंगे, जो कि डीटीएच जितनी प्रोवाइड करती है चैनल, सारा चैनल अब आप देख सकते हो इसके थ्रू। फ्रेंड से स्कैन हो रहा है, आप देख सकते हो कि ऊपर लिखा हुआ आ गया है 8 चैनल फाउंड, मतलब 8 चैनल इसको मिल गया है, फिर भी अभी स्कैन हो रहा है। अगर और भी चैनल अवेलेबल होगा तो शो हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि 8 चैनल मुझे मिल गया है। मैं री स्कैन और यहाँ डन का ऑप्शन है, तो मैं री स्कैन नहीं कर रहा हूँ, डन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स देख सकते हो सबसे ऊपर जो सो रहा है डीडी नेशनल है, डीडी न्यूज़ है, डीडी स्पोर्ट्स है, डीडी भारती है। सबसे पहले मैं डीडी नेशनल पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ प्ले होता है कि नहीं। फ्रेंड्स ये देखो ये प्ले हो गया है। और ये बिल्कुल क्लीन चल रहा है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप टीवी में देख सकते हो ऐसे ही मोबाइल में देख सकते हो। और अब मैं दिखा देता हूँ, मैं सबसे पहले आपको नेट को डिसकनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखो नेट को मैंने डिसकनेक्ट कर दिया। मैं इसलिए डिसकनेक्ट कर रहा हूँ ताकि अब आप देख सकते हो कि विदाउट इंटरनेट चलेगा ये। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि विदाउट इंटरनेट चल सकता है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि अब आप IPL भी लाइव देख सकते हो, वो भी फ्री में विदाउट इंटरनेट, जो कि डीडी नेशनल और डीडी स्पोर्ट्स पे आने वाला है। तो मैं डीडी स्पोर्ट्स चला के देखता हूँ। फ्रेंड्स ये देखो ये लाइव आ रहा है, अब आप देख सकते हो कि अभी लाइव आ रहा है, जबकि कुछ देर बाद मैच स्टार्ट होने वाला है। अभी नहीं होने वाला है, 8 बजे से होगा, लेकिन अभी लाइव आ रहा है, कुछ आ रहा होगा। दूसरा चैनल चला के देखता हूँ, डीडी न्यूज चलाता हूँ। देखो फ्रेंड्स 6:32 हो रहा है, 7 अप्रैल है। मैं ऊपर टाइम दिखा देता हूँ, देखो 6:33 है, 6:33 ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी। यहाँ देखो 6:33 बिल्कुल लाइव है 7 अप्रैल। अब दूसरा चैनल दिखाता हूँ, टोटल 8 चैनल मुझे मिले हैं, डीडी नेशनल, डीडी स्पोर्ट, डीडी भारती, डीडी किसान, ऑल इंडिया रेडियो FM गोल्ड है, FM रेनबो है और ऑल इंडिया रेडियो पंजाबी है। तो इतने चैनल है, इसमें से आप कुछ भी देख सकते हो। ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन पर्पस था कि अब आप इस पे लाइव IPL देख सकते हो, सीजन 11, मतलब कि IPL 2018। तो फ्रेंड्स वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर इसमें आपको डिवाइस इंस्टॉल करने में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये इस वीडियो को आप अपने रिलेशन में, रिलेटेड, फ्रेंड सबके साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।